दोस्तों, क्या आप भी दिल्ली में मेट्रो में सफ़र करना चाहते हैं? क्या आपको भी परेशानी हो रही है कि हम कैसे मेट्रो में जाएंगे और कौन से लाइन पकड़ना होगा, कहाँ पे कौन से रूट पे कहाँ से चेंजिंग करना होता है दोस्तों? तो क्या आपको भी दिक्कत आ रही है? तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सारे के सारे जितने भी आपके मन में क्वेश्चन उठते हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं आप सबको जितने भी सारे आपको प्रॉब्लम आते हैं, मैं उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं RBSM फैमिली। कि यदि मेट्रो में सफ़र करना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत आती है दोस्तों, हम कैसे जाएँ वहाँ पर, उसके बाद यदि हम जाते हैं तो किस जगह से हमें बदलनी होती है, ट्रेन भी बदलनी होती है, या क्या फिर वह ट्रेन जो है उसमें बैठेंगे हम कंटिन्यू, जो उस पर जो भी अपना गंतव्य है, जो भी हम जिस भी जगह जाते हैं, तो क्या हम उस जगह उतर सकते हैं? तो ये जितने भी सारे आपके मन में सवाल आते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले जानना होता है हमें कि लाइन होता है दोस्तों, जो भी मेट्रो में आप सफ़र करना चाहते हैं, जितने भी मेट्रो आप जहाँ भी चलता है मेट्रो, उसको आपको समझना है। तो दिल्ली में जो है दोस्तों 10 लाइन है। लाइन किसे बोला जाता है दोस्तों, आपको ना पीला है, गुलाबी है, येलो है, यानी कि 10 लाइनिंग है, जिसमें ब्लू लाइन जो है उसमें दो बार है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्रे, पिंक, मैजेंटा, रेड, येलो, ऐसे करके वायलेंट, ऐसे करके ग्रे, इस तरह के जो है इसको लाइन बोला जाता है। इस तरह के जो है कलर्स जैसे रहते हैं, उनको लाइनिंग बोला जाता है दोस्तों। आपको इसको समझ लेना है दोस्तों। आपको क्या करना है, जिस भी आप जहाँ भी मेट्रो का सफ़र करने वाले हैं, जैसे दिल्ली में है तो बेंगलुरु, और भी कई सारे हैं मेट्रो जो है बेंगलुरु में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, बम्बई में है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप सफ़र करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले इस लाइनिंग को समझना है दोस्तों। जैसे आपने भारत में भारतीय रेल यात्रा यदि आपने सफ़र किया होगा, तो वहाँ दोस्तों वहाँ पे लिखा रहता है जिस जहाँ से वो ट्रेन खुली है जहाँ तक जाएगी, सिर्फ वही आपको जो है दिखाया जाता है उस, तो वहाँ से वहाँ तक वो जाएगी। तो उसी प्रकार दोस्तों मेट्रो वे में जो है इसी प्रकार से वहाँ पे लिखा रहता है। जैसे आपने आपको मैंने बताया लाइनिंग, तो उस किस लाइन से स्टार्ट हुआ है, किस लाइन तक ख़त्म होगी, तो दोस्तों वहाँ पे उसी वही लिखा आता है। जो भी आपके नज़दीकी स्टेशन पे जाएंगे तो आपको वही लिखा आता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बीच में आपको पता करना होता है कि कहाँ से कहाँ हमें बदलनी पड़ती है, तो दोस्तों आपको भी समझना होता है। तो आपको क्या करना है, इसको समझने के लिए आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, जो भी आप गंतव्य तक जाते हैं, जो भी आपका लोकेशन है उस तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो क्या हमें उस लोकेशन पे फिर बदलनी करनी पड़ती है, चेंजिंग भी करना पड़ता है। तो मान के चलिए मैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आपको कहीं भी जाना हो तो आपको दिल्ली मेट्रो मैप गूगल पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऊपर में आपको जो भी आएगा उस पर क्लिक करना है, दिल्ली का ऑफिशियल साइट है, तो उस पर मैप आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर भी सारा कुछ है, या फिर एप्लीकेशन भी उसका है दिया हुआ रहता है, तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकूँगा आपको कौन कौन सा लाइनिंग होता है। तो उसके बाद मेट्रो में मेट्रो मैप आपको निकाल लेना है, उस मैप को समझना है दोस्तों। आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे सर्च कर लेना है, यदि मेट्रो मैप एप्लीकेशन की मदद से आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें किराया, यदि ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाते हैं तो उसमें 60 रुपये है, उसके बाद वहाँ से नीचे करके इस प्रकार से किराया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं, तो आपको मेट्रो का मैप डाउनलोड कर लेना है, उस पर आपको देखना है कि हम जहाँ भी जिस स्थान पे जा रहे हैं, क्या उस स्थान पे जो भी लाइनिंग जा रही है वहाँ से फिर बदलना भी होता है। शॉर्टकट आपको देखना होता है कि हमें कहाँ से, यदि इस लाइन पे जा रहे हैं तो इस लाइन के लिए हमें कौन कौन से लाइन पे, यदि शॉर्टकट जो रास्ता आता है मेट्रो आता है, उस स्टेशन को हम सेलेक्ट करके वहाँ से हम बदल सकते हैं मेट्रो, ठीक है। तो दोस्तों हर 15 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करके 5 मिनट, ऐसे करके जो है ट्रेन आती रहती है स्टेशन पे, तो आपको देखना होता है कि आपको कहाँ पे उतरना है, कहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप मान के चलिए, यदि ब्लू लाइन से आप सफ़र करते हैं, ब्लू लाइन पे
आपको येलो लाइन जो है बीच में रेड लाइन उसको भी पकड़ना होता है आपका वहाँ पे है, तो आपको क्या करना होता है, आपको उस मैप को देखना होता है। मैप में आपको देखना पड़ता है कि आपको कहाँ से कहाँ उस लाइन के लिए पकड़ना होता है। तो दोस्तों आपको देख लेना है, इसलिए यहाँ से हमें पकड़ना होता है शॉर्टकट जो भी आपको लगता है उसमें, जो भी आपको लगता है तो उसे आप जो है वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मैं चलिए आपके फ़ोन स्क्रीन पे भी और कुछ भी बता दूं, सारा का सारा जो भी आपके मन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है, यहाँ पे सर्च करना है दिल्ली मेट्रो, ठीक है, दिल्ली मेट्रो आपको सर्च करना है। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये है इसका, इस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है, चलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको लोकेशन ऑन कर लेना है। लोकेशन ऑन करने के लिए दोस्तों यहाँ से देखिए ये रहा लोकेशन, और मैंने ऑन कर रखा है। उसके बाद एप्लीकेशन खोलते ही आपका इंटरफेस आपको इस तरह से दिखेगा एप्लीकेशन का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आप जो है यहाँ पर जहाँ से आप जाना चाहते हैं, आप जिस स्टेशन से आप जाना चाहते हैं यहाँ पे सर्च कर सकते हैं यदि आप नाम जानते हैं। उसके बाद यहाँ से कहाँ तक जाना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद डेट है, उसके बाद टाइमिंग है, उसके बाद यहाँ से रूट जो है आप वहाँ यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से थोड़ा दूर का, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं थोड़ा दूर का मैं सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत दूर का है ये रूट, तो मैं चलिए यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सारा कुछ दिखाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं इसका जो है टोटल फेयर यानी कि कॉस्ट इसका जो है बैग हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में यहाँ पे 60 रुपया जो है इसका जो है यहाँ पे लगेगा। 43 स्टेशन है से हमें गुजरना होगा। यहाँ पे चेंजिंग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इंटरचेंज हमें एक स्टेशन से करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, मैं आपको मैप में दिखाऊँ जूम करके थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा, ऐसे करके आपको जाना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कम कर यहाँ पर आपको यहाँ पे जाकर के मंडी हाउस से आपको चेंज कर लेना है दोस्तों, चेंजिंग एक करने के लिए यहाँ से देख। तो दोस्तों ये रहा ब्लू लाइन, ये रहा दोस्तों बैगनी कलर का जो जिसे हम कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देखिए ये जो है लाइन है वायलेंट लाइन, इसे हम कहते हैं वायलेंट लाइन। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आ कर गया कितना लंबा रूट है। टोटल जो है फेयर हमको 60 रुपया लगेगा दोस्तों। यहाँ पे 98 मिनट हमको यहाँ पे जाने में लगेगा यहाँ से यात्रा करने में दोस्तों। देखिए 98 मिनट हमको यात्रा करने में लगेगा। 43 स्टेशन है एक चेंजिंग करने के लिए है। तो दोस्तों यहाँ से बैक आ जाएंगे। यदि आपको पता नहीं है कि मेरे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कौन सा है तो आपको सर्च करने के लिए इसी में आपको मिल जाएगा दोस्तों। आपको लोकेशन ऑन कर लेना है, लोकेशन आपको बताया। उसके बाद यहाँ से देखिए इसी ऐप में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके जो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर जो है यहाँ पे देख सकते हैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है, देख लेना, उसके बाद सेलेक्ट करके आपको चले जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से देखिए यहीं से जो है मेट्रो का मैप जो है इस पर भी क्लिक करते ही आपको मैप जो है दिल्ली का दिख जाएगा। और भी कई मेट्रो हैं तो उनका भी इस प्रकार से एप्लीकेशन की मदद से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें 10 लाइन है इसमें दोस्तों। तो लाइनिंग हमें यही जो है एक ब्लू लाइन है, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। आप यहां से सर्च करते हैं जूम करके देख सकते हैं कौन सा आपको प्लेस पे जाना है, तो वहां आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आप देख ही सकते हैं आसानी से आपको कहां से चेंजिंग कर लेना है, किस प्रकार से चेंज होगा, कहां से हमें बदलना होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है दोस्तों। लाइनिंग की बात करते तो देखिए दोस्तों आपको लिखा रहेगा उस पर, देखिए जहाँ तक जाएगा दोस्तों यह ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन आप पकड़ते हैं तो दोस्तों ये द्वारका सेक्टर 21 जाएगी,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ब्लू लाइन के लिए यहाँ पे देखिए वैशाली, ठीक है, एक वैशाली तक है। उसके बाद एक जाएगी दोस्तों यहाँ से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर, देखिए दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाएगा, जब भी आप मेट्रो पे जाइएगा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे, तो आपको लिखा रहेगा जो भी नियरेस्ट है, जो भी लाइन पे आपको चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको वो दिखाएगा। तो दोस्तों आपको देख लेना है कि बीच में आपका कौन सा रूट पे है, तो उस लाइन पे जो है आपको फिर चेंजिंग कर लेना है, उसके बाद अपने गंतव्य तक यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपने देखा कि हमने मोबाइल एप्लीकेशन पे जो है इस प्रकार से मैंने कैसे करके जो है आपको दिखाया, जो भी आपके मन में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको दिक्कत आ रही है। दोस्तों वहाँ पे ट्रेन पे जो है मेट्रो स्टेशन मेट्रो में बोला जाता है, वहाँ पे आपका गंतव्य स्थान जो भी आने वाली है, इस प्रकार से आपको वहाँ पे गेट राइट साइड में खुलेगी या फिर लेफ्ट साइड में खुलेगी, दायां बायां जो भी कह लीजिए, वो आपको वहाँ पे इंडिकेट यानी कि बताते रहते हैं, ठीक है, आपको सुनना होता है, उसके बाद आप अस्थिर से आराम से निकल सकते हैं। दोस्तों दरवाजे की बात करें मेट्रो में, ऑटोमेटिक है, वहाँ पे 30 सेकेंड लगभग में मान के चलिए कि 30 सेकेंड तक खुली रहती है, तो दोस्तों आराम से आप उसमें जा सकते हैं, निकल सकते हैं दोस्तों, कुछ कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है अपने यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।